एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान में जुम्मा जुम्मा अभी 15 दिन भी नहीं हुए कांग्रेसी सरकार बने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्ज माफी और यूरिया के बंटवारे को लेकर बिक्री को लेकर के अहम सवाल खड़े किए हैं प्रदेश सरकारों पर। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीत अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब कह रहे हैं यूरिया की सप्लाई नहीं हो रही, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और जो कर्ज माफी का वायदा सरकारों ने किया था वो नहीं निभाया किसानों का, किसान खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं और एक तरह से धोखा किया गया है एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस के द्वारा। प्रधानमंत्री ठीक बयान नहीं कर रहे और इसमें झूठ की संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 2 दिन हुए सरकार बनने में और सरकार बनने के 2 दिन के अंदर साफ तौर पर यह कह दिया गया था तीनों मुख्यमंत्रियों ने कि हमने जो हमारा चुनावी वायदा था हम किसानों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उसके ऑर्डर पास हो गए, वो इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। यूरिया का सवाल जहां तक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साजिश के तहत वहां यूरिया की सप्लाई कम कर दी जिससे हाहाकार मचा पाए। वो मकसद इसलिए था कि उनको वोट नहीं पड़े, वहां वो चुनाव हार गए तो उनसे बदला ले रहे हैं ये किसानों से। तो सेंटर का ये काम नहीं है, आप छोटे काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए, आप जो ताल्लुकात है सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उन्हें भी खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह का बर्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक नहीं है। तो इसमें क्या कहना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान देने चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जुम्मा जुम्मा 15 दिन भी नहीं हुए सरकार सत्ता संभाली कांग्रेस को, क्या इस तरह के बयान प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं? प्रधानमंत्री को बयान देने चाहिए लेकिन देने के स्पीच पे चाहिए कि जो चुनाव से पहले उन्होंने वायदे करे थे उन वायदों का क्या हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कदम इन्होंने उठाए इस 4.5 साल में उनके ऊपर बयान दे कि पूरी आर्थिक और व्यवस्था का भट्टा बैठ गया, बिल्कुल लोगों पे पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। आपने कहा था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, उसका क्या हुआ? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसका क्या हुआ? नए कारखाने लगाऊंगा, उसका क्या हुआ? आपने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या हुआ? 100 सिर काट के लाएंगे, क्या हुआ? आप 100% ही हर चीज में फेल हो गए। नोटबंदी करी, उससे गिरावट आ गई, आर्थिक मंदी आ गई, एक्सपोर्ट कम हो गया। तो आप अपने जवाब दो ना, अब तो चुनाव लोकसभा का चुनाव है, हमारा चुनाव आएगा हम जवाब दे देंगे, अब तो अपना आपका चुनाव है आप जवाब दो। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीपी अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ कहा बल्कि प्रधानमंत्री से कहा पहले तो खुद अपने गृहवन में झांकें, उन्होंने जो चुनाव 2014 में चुनावी वायदे किए थे उनका क्या हुआ, क्योंकि अब देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में वही वादे दोहराएगी, वही वादों की याद दिलाएगी जो बीजेपी ने 2014 में चुनाव में उतरते वक्त किए थे। दिल्ली से कैमरामैन राहुल के साथ रमाकांत सिंह, न्यूज 9।